गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपिका और मेरे चैनल दी ओम कपल विद किड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ हेल्दी दलिया रेसिपी फॉर माय किड्स और मैं कैसे उनका दलिया बनाती हूँ और वो कैसे झट से खा जाते हैं, सो वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी। देसी घी मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ सो देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो बटर या मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने डाला है इसमें जीरा, देन इसके बाद प्याज आप बारीक चॉप कर लीजिए और थोड़ी देर इसे भूनने देंगे। जब आपकी प्याज थोड़ा सा भुन जाए देन आप डाल दीजिए इसमें गार्लिक। गार्लिक को हमें जलाना नहीं है, इससे क्या होता है इसका थोड़ा सा स्मेल अच्छी आती है। देन हमने डाली है इसमें मटर, देन मैंने इसमें डाले हैं गाजर। गाजर को मैंने बहुत बारीक काटा है सो आप इसी तरीके से गाजरों को काटें। देन इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं पोटैटो, आलू। सारी चीज़ें मैंने बारीक काटी हैं क्योंकि बच्चों को मुंह में आती है तो बच्चे लाइक नहीं करते हैं, सो आप इनको जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। देन मैं ले रही हूँ बीन्स। बीन्स भी मैंने बारीक चॉप की हुई हैं। आप इसे अच्छे से चला लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट। सॉल्ट के लिए मैं ले रही हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक में एक्चुअली पोटेशियम होता है सो ये आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल होता है उसको जमाता नहीं है, तो ये सेहत के लिए अच्छा रहता है सो मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ हल्दी। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक और हल्दी ही डालती हूँ। मिर्च का मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बेसिकली, सो मैं इसमें मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। देन लिड को ढक कर के रख दें और गैस को सिम कर दें ताकि जो वेजीज हैं आपकी वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। सो गाइस, जब आपकी सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं देन इसमें डाल दीजिए दलिया। दलिया मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो कर रखा हुआ है क्योंकि भिगोने से ये होता है कि ये अच्छे से फूल जाता है, तो मैंने थोड़ी देर इसे भिगो के रख दिया था 1 से 2 घंटा। देन मैं इसे बनाने जा रही हूँ तो आप इसको पहले से भिगो के रख दें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। देन गाइज, मैंने लिया है इसमें 2 से 2.5 ग्लास पानी और ये सारा पानी मैं इसमें डाल दूंगी। देन लिड लगा करके मैं इसे तेज मतलब हाई गैस पर मैं इसे रख दूंगी। देन उसके बाद आप पहली सीटी का वेट करें, देन आप इसको सिम कर दें और दूसरी सीटी आने दें। गैस आपके रिलीज हो जाने के बाद आप इसे खोल करके देखें, आपका दलिया रेडी है। सो आप इसे किसी भी बर्तन में आप निकाल लें। सो गाइस, हमारा हेल्दी टेस्टी दलिया तैयार है और है ना बहुत इजी रेसिपी। सो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही कुछ बनाना सो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर विद योर फ्रेंड्स और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आती रहूँ। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.